शहनाज गिल का नया पैतरा बनाना चाहती हैं घर वालों के लिए खाना, जरा सोचिए ऐसा क्यों? तो जी ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि शहनाज अपना इम्प्रेशन जमाना चाहती हूँ। वेल ऐसा हो भी क्यों ना, लगातार शहनाज गिल सुर्खियों में जुड़ रही हैं और वो भी बहुत ही अजीब वजहों से। वो वजह है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी अनबन, अनबन ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही लड़ाई। वेल सिद्धार्थ की जोड़ी टूट चुकी है और बिग बॉस के घर में अब अक्सर सिद्धार्थ और शहनाज को लड़ते हुए देखा जाता है। और इसी बीच शहनाज ने इच्छा जताई कि वो घर वालों के लिए खाना बना दे। वेल जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे वो घड़ी आ रही है जब बिग बॉस खत्म होने वाला है, तो इससे पहले शहनाज ने इच्छा जाहिर की कि वो घर वालों के लिए खाना बनाए। ये बात जब रश्मि से उन्होंने की तो रश्मि ने उन्हें खाना बनाने के लिए कह दिया। इस पर जो हुआ बवाल उसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस दौरान पारस छाबड़ा ने रश्मि देसाई को काम चोर भी बोल दिया। उन्होंने बोला कि मैं तो अपना काम करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना काम दूसरों पर डालते हैं। और इस दौरान रश्मि से उनकी खूब बहस देखने को मिली। रश्मि ने भी पारस को खूब खरी खोटी सुनाई और उनकी सोच पर सवाल खड़े करते हुए बोला कि पारस की सोच काफी छोटी है। वेल आपको बता दें, फिनाले से पहले बिग बॉस में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बिग बॉस के घर में हमेशा चर्चा में रहने वाली सिद्धार्थ जोड़ी टूट चुकी है। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना अपना गेम बदल लिया है। बिग बॉस के घर में ये दोनों जमकर लड़ते नजर आते हैं। बिग बॉस के घर में इन दोनों को ऐसा देखकर फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वेल सिद्धार्थ शुक्ला ने नॉमिनेशन टास्क के दौरान शहनाज गिल के बजाय आरती सिंह को सेव कर लिया था। इसके बाद बिग बॉस के घर में आरती सिंह और शहनाज के बीच कैट फाइट देखने को मिली थी। इस दौरान शहनाज गिल भी काफी ज्यादा रोती नजर आई थी और उन्हें सहारा दिया माहिरा शर्मा ने। जी हाँ, वही माहिरा शर्मा जिनके साथ शहनाज गिल की खूब लड़ाई हुई थी और अब शहनाज गिल को उन्होंने सहारा भी दिया था। इसके अलावा अब शहनाज गिल घर वालों के लिए खाना बनाना चाहती हैं। अब देखते हैं शहनाज का ये नया पैतरा क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।